पिछले कई दिनों से मैं दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा हूँ। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं। ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है। 64 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या, चाकू गोद गोद के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। कल नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे, तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। पिछले कई दिनों से मैं दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा हूं। पिछले खासकर 2-3 साल में दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। मैं दिल्ली का एक नागरिक हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, लोगों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग इसको लेके बहुत चिंतित हैं। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने कई दिन मैं कुछ नहीं बोला, मुझे लगा स्थिति सुधर जाएगी और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं, ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मुझसे चुप नहीं रहा गया। और मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर लेके, कानून व्यवस्था को लेके सवाल खड़े करने चालू किए। मैं नांगलोई गया, नांगलोई में एक दुकान वाले के दुकान के बाहर दो मोटरसाइकिल पे सवार व्यक्ति आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चलानी चालू की। मैं नांगलोई गया, मुझे नांगलोई जाने से बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने रोका, मुझे रास्ते में ही रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है, उसे फिरौती की कॉल आती है, अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आज बिजनेसमैन को ये नहीं पता मैं सुरक्षा के लिए कहाँ जाऊं। कल मैं पंचशील एनक्लेव गया, पंचशील एनक्लेव में वो एक तरह से देश का, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहां पे 64 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या, चाकू गोद गोद के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे दिल्ली में बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अकेले रहते हैं, वो आज दहशत के माहौल में जी रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं, कभी किसी के साथ ईव टीजिंग तो रोज का ही काम है, लेकिन कभी किसी का अपहरण हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। आज महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। आज मैं तिलक नगर जा रहा हूं, तिलक नगर दो दुकान वालों से मिलूंगा जिनकी दुकानों के बाहर शूट आउट किया गया। मैंने सोचा था ये सारे मुद्दे उठाऊंगा तो एक उम्मीद थी कि अमित शाह जी, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये चुनी हुई दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पर अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे,
अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए, अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।